శ్రీ నారాయణ చరిత్ర నమస్కారం పంచమస్కారం రాజజీ కృష్ణ Thank you.
नारी तुम्हारे काम समय हो गया जन्नत को जल्दी बुलवाया जाई विदा हुआ सुबह में बावजूद मेरे पर गुस्ताया जन्नत जी के साथ लगाए जन्नत सौभा गया ना को Thank you.
शहजादे को मार गई कंधर की दास में फसे गए माता भाई समेत मात जी आई पति की जय Thank you.
लेकिन आप सबसे एक ही प्रार्थना है, आप में से कितने लोग झुंझुनू जाते हैं? क्या बात है, कलकत्ता में तो सब जावे, कलकत्ता में तो सब जावे, लेकिन भारतवर्ष में जगह जगह गया बेटा, मैं लोग देखा कभी 5% कभी 10%। अब हमारे विश्वास है कि दादी को ज्योत आने के बाद 100% दादी भक्त लोग झुंझुनू जावेगा, 100%। और अब की बार भादी अमावस में कम से कम 10 लाख लोगों की भीड़ होगी। बल्लारी सती दादी की। जय दादी की। मैं आपको उन बच्चों को सम्मान कराऊंगा जिन्होंने ज्योति भ्रमण की कल्पना करी, किस तरह उन्होंने जोड़े लोगों के दादी भक्तों को जोड़ा। लेकिन वास्तविकता क्या है, जहां तक दादी का प्रश्न है, इसने इतना बड़ा चमत्कार करके दिखा दिया कि आप विश्वास नहीं करेंगे। हम लोग इतने जने बैठे हैं, ये बहुत छोटा सा स्वरूप है इसका। छोटे गाँव में जहां जहां हमने दादी का भ्रमण किया ज्योति का, वहां क्या भावना थी लोगों की आप समझ नहीं सकते। हम कलकत्ते वाले, हम बड़े शहर वाले आएंगे जाएंगे, आधा घंटा लेट प्रोग्राम चालू होगा, इस तरह की मन में भावना करके समय पे पहुंचते नहीं है। अरे वहाँ दो दो तीन तीन घंटा पहले वार्ड पे सड़क पे कितनी धूप है उसमें बैठी रही कि कब जाने की ज्योति आए, कब हम दर्शन करें, कब आशीर्वाद प्राप्त करें। आप लोगों का अगर इसी प्रकार आशीर्वाद रहा तो मैं आपको बताता हूँ हम आगे का ज्योति भगवान का कार्यक्रम जरूर ही जल्दी ही प्रारंभ करूंगा। आप सबसे दादी जी की प्रार्थना करवाऊंगा और उन बच्चों को उत्साहित करूंगा ताकि आगे का कार्यक्रम भी हम बना। ये समापन के समय की बात है, अभी आप मंगलवार खत्म करिए, भजन का कार्यक्रम करिए, फिर आप लोगों से आशीर्वाद ले लूंगा। जय दादी जी। दादी सभी दादी की। जल्दी कर
Yeah.
और घड़े में वहां की राख लेकर
भस्म लेकर घड़े में बाहर वायु नारायणी के आदेश के अनुसार वहां से चल पड़े और वो भस्मी लेकर जब राणा जी जाली राम जी के पास आकर उन्हें सारा समाचार सुनाते हैं तो वो समाचार सुनकर और बहुत आप लोग सब ध्यान से सुनेंगे। जब राणा से जब सूचना पाते हैं जाली राम जी, तो जाली राम जी सब परिवार अस्थि कलश के स्वागत के लिए राणा के पास आते हैं। जब अपने बहू और बेटे को अस्थि कलश के रूप में देखते हैं राणा, आप सोच कर देखिए एक पिता के हृदय में क्या होता है। आंसू झर झर आंखों से बह रहे हैं और राणा बोलते हैं, राणा को जाली राम जी बोलते हैं, क्या स्वागत करूं मैं बहू का और बेटे का, क्या बधाई बांटू, किन कर्तव्य में हूं। जाली राम जी वेदना की आवेग में बह जाते हैं और बहू का स्वागत करते हैं। Thank you.
कुछ क्यों? बाई नारायणी पर जारी राम को वंश तेरो सदा ही आभारी रह रहे हो। हे अमर सुहागन तुम्हारे कुल ने अमर कर दिया। Thank you.
इच्छा पूरी करे दादी जी खुदरा लक्ष्मी धन ये वास नारायण सबके सारियो भयारण हाथ जोड़ विनती करे हाथी दादी करो बोलिए दादी सती दादी की बोलिए सच्चे दरबार की वही एक बार बोलो दादी जी के मंदिर में जाओ सब जाओ बड़ी देर से हमारी माताएं मैंने इच्छा रखी हुई है मैं गाता हूँ एक बार आप लोग सब मिलकर गाइए साथ में ओ हो ठीक है के इबतो काम काज में भारो यो मन ना लागे इबतो बैठ जाइए जाने की जल्दी मत कीजिए इस झुंझुनू धाम के लिए अपने पीहर के लिए तालियां बजा के एक साथ एक दो तीन ये चार दादी पीहर ये सोतारो Oh,
में कोई कमी ना लावे, आने घाट बाट में कोई कमी ना लावे। दादी भी हरी है सो थारो जुजनू, दादी भी हरी है सो थारो जुजनू नाम लावे। ये भजन बाद में आपको सुनाऊंगा, पहले हमारे चाचा जी कुछ जरूरी सूचना देना चाहते हैं। मगर मैं आपको बता दूं, दादी जी की जो दिव्य ज्योति लाने का हमारे भक्तों के द्वारा पहला प्रयास है, आज तक कभी झुंझुनू से भारत भ्रमण के लिए दिव्य ज्योति नहीं निकली, और इस बार जो निकली उनमें जिन दादी भक्तों का सहयोग आया, जिन्होंने परिकल्पना की, जिन्होंने उत्साहवर्धन किया या जिन्होंने मेहनत करी, उन बच्चों को मैं आपके साथ हेलो, ताकि आप उन बच्चों को उन दादी भक्तों को आशीर्वाद दे सकूं। अगर आपको हमारा इस भ्रमण को आगे बढ़ाना है तो आप 2 मिनट रुक जाएं, उन बच्चों को उन दादी भक्तों को आशीर्वाद दीजिए जिन्होंने ये परिक्रमा करी, जिन्होंने उत्साह किया, जिन्होंने जुनून पैदा किया लोगों में, सारे भारत में भ्रमण का मन बनाया। अभी हमने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, नेपाल, इन सब दिल्ली वगैरह में हमने दादी का भ्रमण किया है। भारत के बाकी बचे हुए प्रांतों में भी हम जाना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले इस ज्योति की परिक्रमा की ज्योति झुंझुनू वाला ने। परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए जिन दादी भक्तों ने सहयोग दिया उनमें है चंद्र प्रकाश जी तुलश्याण, अलोक जी झुंझुनवाला दिल्ली से, कैलाश जी का रानीगंज से, गत 3 मार्च को ये ज्योति झुंझुनू से चली। सर्वप्रथम दिल्ली में इसका स्वागत किया गया, सर्वप्रथम दिल्ली में इसका स्वागत किया। उसके बाद आगरा, यूपी के विभिन्न शहरों में होती हुई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, मतलब छोटे से छोटे शहर में भी इस ज्योति का इतना बड़ा स्वागत हुआ कि आप यहाँ बैठ के उसकी मैं अनुभूति आपको नहीं बता सकता इतना बड़ा स्वागत हुआ। पर ज्योति का ये प्रथम बार आज हम मतलब कहीं समाप्त कर रहे हैं। आप लोग अगर चाहते हैं कि ये ज्योति आगे भी भारत के दूसरे प्रांतों में जाए तो दादी जी से प्रार्थना करिए जय दादी जी बोल के, ताकि इन भक्तों का उत्साहवर्धन हो और आगे का कार्यक्रम बना सके। अभी हम परिक्रमा कर रहे हैं कि आगामी मनुष्यवती नवमी है, अभी बहुत गर्मी है तो भारत के बहुत से प्रांतों में बहुत गर्मी पड़ती है, इसलिए समायोग या लोगों को छोड़ना बड़ा मुश्किल हो सकता है। शायद थोड़ी सी जब ठंड हो जाए मौसम सुंदर हो जाएगा, उस समय हो जाएगा। इनमें और भी 2-3 भक्तों ने सहयोग किया, उनमें है योगेश जालान, आशीर्वाद दीजिए इन दादी भक्तों का, ताकि आगे भी हम इन भक्तों का सहयोग लेके ज्योति का भ्रमण आगे निश्चित करें। मेरा ताली बजाएंगे, इनका स्वागत कर लीजिए सभी भक्तों का। आगे का कार्यक्रम बनाएंगे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, MP, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उसके बाद हो सकता है तमिलनाडु के भी भ्रमण की व्यवस्था करें। जय दादी।